हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 2 साइंस में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट वीडियोस में बच्चों हमने पेज नंबर 28 पे जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उनको फिनिश नो पेज नंबर 33 पे जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उनको हमने फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद भी जो क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे अभी भी चैनल पे नए आए हैं बच्चों, आप कमेंट सेक्शन चेक करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट चेक करिए, सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं, वहां रीड मोड पर क्लिक करिए, ठीक है ना। आपको क्लास टेंथ का पूरा सिलेबस यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चों, यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी आपको यहां पर हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे, ठीक है। कहां मिलेंगे पिन कमेंट चेक करिए। फिर भी जिन बच्चों को लिंक्स नहीं मिल रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे कैसे चीजें करनी है, तो बच्चों आप WhatsApp कर सकते हैं 7503644171। इस नंबर पे WhatsApp करिए तो आपको जो भी चैप्टर है उसका लिंक सेंड कर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताई हैं और ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि कैसे चीज़ें हमारे चैनल पे यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 34 पे। कह रहा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब देखिए बच्चों, हमने आपको क्लास में पढ़ाया है ए बी रोड, क्या पढ़ाया है ट्रिक, हमने आपको क्लास में पढ़ाया है ए बी रोड, याद है सबको, ए बी रोड। ए बी रोड मतलब एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, ए बी रोड का मतलब क्या होता है, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, ठीक है। इसका मतलब होता है एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। अब इसका क्या मतलब हो गया, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, ए बी रोड याद कर लो, ए का मतलब एसिड टर्न्स ब्लू टू रोड मतलब रेड, ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। इसका मतलब बच्चों जो एसिड होता है वो रेड लिटमस पेपर को एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को, वो ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किसमें चेंज कर देता है, रेड लिटमस में, सही है। एक तो ये बात है, इसका मतलब बच्चों बेस क्या करता होगा सोचो, अगर कहीं पर बेस होता होगा तो बेस इसी का जस्ट रिवर्स काम करता होगा, यानी कि अगर एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है तो बेस क्या करता होगा, बेस रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता होगा, रेड लिटमस को चेंज कर देता होगा ब्लू लिटमस में, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बातें हमें पता है। अब इन्होंने बच्चों हमसे क्या बोला है, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इनका सॉल्यूशन क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है बच्चों, इनका जो सॉल्यूशन है टर्न्स मतलब बदल देता है, किसको बदल देता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। अब रेड लिटमस को बच्चों ब्लू में कौन चेंज करता है, तो जवाब है बेस, यानी इनका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो सॉल्यूशन इनका कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। अब बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कैसे पता करें, तो पीएच स्केल आपको पढ़ाई हुई है, आप पीएच स्केल पे चले जाइए स्टूडेंट, 7 पे होता है पीएच आपका न्यूट्रल, ठीक है, 7 के राइट में अगर आप चलेंगे तो आपको मिलेगा बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, और 7 के जब लेफ्ट में आप चलोगे तो आपको मिलेगा एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच। याद है आपको 7 से 10.5 तक क्या होते थे, वीक बेस, डब्ल्यू बी का मतलब वीक बेस, 10.5 से लेके 14 तक होते थे आपके स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फिर यहां पर बच्चों जब लेफ्ट हैंड साइड आप आ जाएंगे तो यहां आता है कहीं 3.5 और यहां आता है कहीं 0, 0 से 3.5 के बीच में बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एस ए का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3.5 से लेकर आपका 7 के बीच में आते थे आपके वीक एसिड्स, यही था, यानी कि 7 के लेफ्ट में एसिडिक और 7 के राइट में बेसिक, करेक्ट। अब आपका सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, बेसिक है, यानी कि जो पीएच होना चाहिए सॉल्यूशन का वो 7 के राइट में होना चाहिए, ठीक है, 7 से ज्यादा होना चाहिए। यहां पे बच्चों सर्च करिए ऑप्शन में 7 से ज्यादा कौन सा पीएच आपको गिवन है, जवाब है डी, चेक कर लो बच्चों, 10 7 के राइट में आता है, सही है ना, 10 7 के राइट में आता है ना, तो बस पीएच क्योंकि सॉल्यूशन हमारा कैसा है बेसिक, तो इसका मतलब इसका पीएच कितना होगा, 10 होगा, कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, सही ना, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जहां पर कम होगी वहीं पे पीएच ज्यादा होगा। अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जहां पे कम होगी वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक ही तो होगा, है ना, और बेसिक है तो उसका पीएच कितना होगा, ये 10। अब देखो बच्चों 1 यहां हो नहीं सकता है क्योंकि 1 एसिडिक हो जाएगा, 4 भी आपका 7 के लेफ्ट में आ रहा है एसिडिक हो जाएगा, 5 भी आपका 7 के लेफ्ट में आ रहा है एसिडिक, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके कर लीजिए। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। अब बच्चों जरा ध्यान से चेक करिए, क्या किया, अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमने लिया, ठीक है ना, और इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, क्रश्ड एग शेल्स के साथ, ठीक है, मतलब जो अंडे के छिलके होते हैं ना, जो अंडे के छिलके निकलते हैं उसके साथ हमने रिएक्ट करा दिया। अब बच्चों देखिए एक बात समझिए जरा,
आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्रश्ड एग शेल्स में क्या होता है, जो व्हाइट कलर का आपको अंडे का छिलका दिखता है, क्रश्ड एग शेल्स जो होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? तो जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सभी बच्चे याद रखें कि क्रश्ड एग शेल्स में क्या होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सबको पता है, CaCO3, ये होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये रिएक्ट कर रहा है क्रश एग शेल्स के साथ और टू गिव अ गैस दैट टर्न्स, अच्छा हमको क्या मिलती है? हमको एक गैस मिलती है और गैस की खासियत क्या है? गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अब बच्चों कौन सी ऐसी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है? जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद है आप लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, यही तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, ठीक है। भूल चुके हैं आप लोग, ध्यान से चेक करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम इसको लाइम वाटर में डालते हैं, लाइम वाटर क्या है? एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका क्या है? लाइम वाटर। और जब आप CO2 को लाइम वाटर में पास करते हैं तो आपको कलर कैसा दिखाई पड़ता है? मिल्की कलर दिखाई पड़ता है। क्यों मिल्की कलर दिखाई पड़ता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर बनने लगता है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट वहां बनने लगता है और साथ में वाटर तो यहां पर बनेगा ही, ठीक है ना। अब बैलेंस वैलेंस हम लोग बच्चों इसको नहीं कर रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि यहां पे जो इवॉल्व हो रही है गैस वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सही है। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि द सॉल्यूशन कंटेन्स, सॉल्यूशन में क्या होगा? तो सुनो, फिर से सुन लो, सॉल्यूशन लिया आपने और सॉल्यूशन को किससे रिएक्ट कराया आपने? एग शेल से, ठीक है। यानी कि ध्यान दें, मिला क्या आपको? मिला आपको एक ऐसी गैस जो लाइम वाटर को किसमें चेंज कर देती है? बताइए, लाइम वाटर को किसमें चेंज कर देती है? मिल्की कलर में, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कलर कैसा आता है आपका? मिल्की आ जाता है, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो, सॉल्यूशन लिया, एग शेल्स के साथ रिएक्ट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ये तो कन्फर्म है, करेक्ट। अब आपको बताना है कि इस सॉल्यूशन में क्या है। तो आप देखो, एक चीज तो पहचान गए हो, क्या पहचान गए हो? कि एग शेल्स में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। एग शेल्स में क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और गैस कौन सी निकल रही है? ये गैस निकल रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात बताइए, आपने क्लास में रिएक्शन पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी है? जब मेटल के कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, वहां पर सॉल्ट बनता है और वहां पर वाटर बनता है। तो हम यहां पर पूरी रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करिए। जब आप एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, तो आपको क्या क्या मिलता है याद करिए? आपको मिलता था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको मिलता था सॉल्ट ऑफ द मेटल, मेटल का सॉल्ट मिलता था, और साथ में मिलता था आपको वाटर यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, इनमें रिएक्टेंट साइड में आपको दोनों चीज़ें मिल, आपको रिएक्टेंट साइड में क्या मिल गया है? आपको रिएक्टेंट साइड में मेटल कार्बोनेट, देखो एग शेल्स में क्या है? मेटल कार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट भाई कैल्शियम का कार्बोनेट है ना, कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, कैल्शियम तो आपका मेटल ही है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये मेटल कार्बोनेट है। यानी कि जो सॉल्यूशन है पक्का क्या होना चाहिए? एसिड, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफर्म हो रहा है कि CO2 तो हमको मिल ही रही है, ठीक है ना, साथ में सॉल्ट और वाटर भी मिल रहा होगा, वो भी हम आपको पूरा बना के दिखा देंगे। लेकिन यहां पर बच्चों जो आपको पता चल रहा है कि ये पक्का सॉल्यूशन में क्या होगा? एसिड होगा। पक्का सॉल्यूशन में क्या होगा? एसिड होगा। अब ऑप्शन में आप जाके देख लीजिए बच्चों कि ऑप्शन में एसिड कहीं पे दिया हुआ है, यस, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, लिथियम क्लोराइड सॉल्ट है और पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है। एसिड आपका क्या हो गया? HCl हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब पूरी रिएक्शन अगर हम आपको यहां पे दिखाना चाहें तो ध्यान से बच्चों चेक करो, एसिड की जगह आएगा आपका HCl, ठीक। मेटल कार्बोनेट क्या है यहां? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और गिब्स, ठीक है। क्या क्या मिलता है? CO2 जो कि हमको मिल ही रहा है, और ये CO2 क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देता है। मिल्की क्यों जाता है कलर? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है ना। चलो, और साथ में क्या मिलता है? सॉल्ट। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, कैल्शियम का सॉल्ट बनाइए, कैल्शियम यहां से मिलेगा Ca2+ और Cl- यहां से मिलेगा, ठीक भाई, चेक करो ना, Ca2+ आपको यहां से मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट से, Ca2+ और क्लोराइड आयन यहां से मिलेगा, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये बन गया आपका सॉल्ट और साथ में यहाँ पे वाटर आपका बनेगा, ठीक है। बैलेंस वैलेंस बच्चों करना हो तो मेरे ख्याल से ये कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी यहाँ पर 2 लगा के, ठीक है। वो सब आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है, उसको आप देख सकते हैं। बस मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता था कि सॉल्यूशन में पक्का क्या अवेलेबल है? एसिड अवेलेबल है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, ठीक है। तो ये रिएक्शंस भी हमने आपको दिखा दी, यहाँ रिएक्शन नहीं दिखानी थी, बस आपको आंसर देना था, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब बच्चों देखिए, यहां पर जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ध्यान से समझिए। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन है कि 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना सॉल्यूशन है बच्चों? 10 ml है, 10 ml, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना सॉल्यूशन है? 10 ml का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है किसको?
कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है किसके द्वारा, 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन होती है, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना लगता है, 8 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगता है। ठीक है, सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, यानी कि अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कराना है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आपको न्यूट्रलाइज कराना है, देखिए बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो सबको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना तो सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और वाटर यहां पर बनेगा, तो जो बनेगा आपका वो बनेगा देखिए NaCl सॉल्ट बनेगा और यहां पर वाटर आपका बनेगा, करेक्ट। बैलेंस वैलेंस बच्चों करना वो सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। देखिए बैलेंस करोगे तो आप यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से यहां 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बैलेंसिंग मैटर नहीं करती है यहां पर बच्चों, मैटर ये कर रहा है, ध्यान से चेक करिए कि 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब न्यूट्रलाइज कराना होता है ना तो आपको HCl कितना रिक्वायर्ड होता है, 8 ml, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक, अब बच्चों देखिए इस इन्फॉर्मेशन से मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि अगर 20 ml को न्यूट्रलाइज कराना हो तो कितना HCl लगेगा, अगर 5 ml को न्यूट्रलाइज कराना हो तो कितना HCl लगेगा। ठीक है ना, तो आपको NaOH को क्या कराना है, न्यूट्रलाइज कराना है। तो देखिए यहाँ यूनिटरी मेथड हम लोग लगाएंगे बच्चों, एक बात बताइए कि अगर 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 ml ऑफ HCl से न्यूट्रलाइज होता है तो 1 ml ऑफ, देखिए जरा मैं लिख दे रहा हूँ लैंग्वेज, इफ 10 ml NaOH requires कितना रिक्वायर करता है ये, 8 ml HCl, ठीक है ना, 8 ml HCl। और देखिए कंडीशन बच्चों क्या है, कंडीशन ये है कि हर बार सॉल्यूशन हम सेम जगह से निकाल रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसको देखिएगा, सेम जगह से निकाल रहे हैं का मतलब ये है बच्चों, ये बड़ा सा एक बॉटल रखा हुआ है, ठीक है, ये एक ग्लास का बॉटल रखा है बड़ा सा, या जार है जो भी आप कह सकते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है, सही है, और ये देखिए ये एक बड़ा सा जार रखा हुआ है, इसमें आपका क्या भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है, बात समझो बच्चों, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पर जो HCl की है वो फिक्स है, मतलब बार बार आप सैंपल कहां से निकालते हो, इसी जार से निकालते हो, तो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगी नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और बार बार अगर HCl आप निकालते हो तो इसी जार से निकालते हो, ठीक है, तब भी HCl की भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, यानी कि सैंपल यहां पर दोनों आपके सेम है, मतलब जब भी आप सैंपल लोगे तो उसके लिए जो गिवन सॉल्यूशन है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, ये बात है। तो यहां से लगा लीजिए, अगर 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 ml HCl से न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है, तो 1 ml यूनिटरी मेथड लगाइए बच्चों, 1 ml NaOH को कितना ml, 1 ml NaOH, 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को कितना ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होगा, तो जवाब है 8/10 ml HCl। चेक करो बच्चों, यूनिटरी मेथड ही तो लगाया है, क्या कर लिया है बताइए, अगर 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 ml HCl से रिक्वायर्ड, 8 ml HCl से न्यूट्रलाइज होता है तो 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ml HCl से न्यूट्रलाइज होगा, तो जवाब है 8/10 से, नहीं बात समझ में, ठीक है। तो अगर 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को 8/10 ml ऑफ HCl की जरूरत पड़ती है तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा है, पढ़ लीजिए क्या पूछा है, इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी, अब ध्यान से चेक करिए, इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमने यहां से कितना निकाला, सबसे पहले हमने क्या किया था, यहां से हमने 10 ml निकाला था, सबसे पहले हमने यहां से 10 ml निकाला था NaOH, तो हमें HCl कितना लेना पड़ा था, 8 ml, बात समझ आई कि नहीं आई, फिर हमने मैथ्स लगा के निकाला कि भाई अगर हम यहां से 1 ml लेते हैं तो हमें HCl कितना पड़ेगा, 8/10 पड़ेगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो इसको बच्चों कितने की जरूरत पड़ेगी बताइए जरा, 8/10 × 20 ml ऑफ HCl की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेक कर लीजिए, यूनिट्री मैटर लगाया है, 8 ml NaOH को 10 ml NaOH को 8 ml HCl चाहिए था, तो 1 ml NaOH को कितना HCl चाहिए था ये हमने निकाल लिया, अब 1 unit में आपको पता है तो आप कितनी भी यूनिट में निकाल सकते हो, तो 1 unit में अगर इतना HCl है तो 20 unit में बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 1 = 20 और 20 × 8/10 20 × 8/10 HCl, कोई डाउट है बताइए, सही है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 8, 2 = कितना होता है 16, यानी कि 16 ml HCl, कोई दिक्कत है बताइए। तो अगर आपको 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करना होगा तो आपको 16 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल के यहां से सेकंड कंडीशन में लाना पड़ेगा, कोई डाउट है बताइए, हाँ ठीक है। और जब ऐसा कर दोगे ना तो ध्यान से सुन लो, आपके पास जब आप रिएक्शन करा रहे हो आपने 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और 16 ml HCl लिया, अब आपके पास कुछ रहेगा नहीं,
आपके पास प्रोडक्ट में क्या बचेगा बताएं? सिर्फ सोडियम क्लोराइड और वाटर, बस ये इसको और ये इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि इस गिवन इन्फॉर्मेशन से ही हमने सारी चीज़ें निकाली। कोई डाउट है बताइए। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम क्यों बोला है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करना है ना। द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन द सेम एज बिफोर, मतलब जैसे सॉल्यूशन पहले था वहीं से निकालना है HCl, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो बताइए कितना HCl लगेगा? तो जवाब है 16 ml HCl लगेगा। कोई डाउट है बताइए। अब ऑप्शन में देखिए कहीं दिया होगा 16 ml, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। अब बच्चों ये तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट से पढ़ा है। इनडाइजेशन हमें क्यों होता है बताइए? इनडाइजेशन हमें होता है जब खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं करता है, खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता है तो एसिड बहुत सारा सिक्रेट होता है हमारे स्टमक में, है ना। तो बस बहुत ज़्यादा जब एसिड होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? एंटासिड, जैसे कि जैसे कोई माइल्ड बेस ले लो आप, क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो एंटा एसिड यूज करते हैं हम लोग इंडाइजेशन में। तो बहुत ही ईजी ये आंसर था, एंटा एसिड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 34 इन NCERT। तो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए। वर्ड इक्वेशन का क्या मतलब होता है? वर्ड इक्वेशन का मतलब है कि आप इक्वेशन लिखिए, केमिकल इक्वेशन, और उसको शब्दों में भी लिख के दिखा दीजिए, उसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि पार्ट ए देखिए कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुल्स। तो बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? होगा H2SO4। ठीक है, अब देखिए डाइल्यूट है ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब वाटर के साथ डाइल्यूट किया हो गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीडियम क्या है? वाटर है, तो वाटर के लिए हम लोग एक्वस लिखते हैं। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए, बिकॉज देखिए बच्चों ये जो स्टेट हम लिख रहे हैं ना, एक्वस सॉलिड ये सब जो हम लिख रहे हैं, अगर आपको नहीं लिखना है जब तक बोला ना जाए आप मत लिखिए, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट आप लिख देते हो कि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है और इसमें आपने लगाना है क्या? रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेनुल्स, ठीक है, इसको आपको जिंक ग्रेनुल्स। अब देखो बच्चों जिंक ग्रेनुल्स जो होंगे वो सॉलिड होंगे। जिंक ग्रेनुल्स मतलब समझते हो, जिंक के छोटे छोटे बुरादे टाइप के, जैसे कारपेंटर आता है जब आपके घर में तो लकड़ी घिसता है, वो जब लकड़ी घिसता है तो वहां से बुरादे निकलते हैं, ठीक उसी तरीके से जिंक को अगर हम लोग घिसें तो छोटे छोटे ग्रेनुल्स, छोटे छोटे जिंक के पीसेस निकलेंगे, जिसको हम जिंक ग्रेनुल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिंक यहां हमने सॉलिड के फॉर्म में लिया, तो लिख भी देते हैं वर्ड रिएक्शन। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि वर्ड रिएक्शन लिखनी है, तो बच्चों हम एक काम करते हैं, हम ऊपर वर्ड रिएक्शन लिखते हैं और नीचे हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो चलो पहले केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर वर्ड रिएक्शन भी आपको लिख के दिखा देंगे। अब सभी बच्चों को पता है बहुत इजी रिएक्शन है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यहां बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से बनेगा जिंक सल्फेट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब वर्ड रिएक्शन के लिए बच्चों क्या करते हैं? ऊपर हम यहां पर वर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं, ये क्या है आपका? जिंक है, तो आपने लिख दिया यहां जिंक। ये क्या आपका? H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहां हमने लिख दिया क्या? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और बीच में प्लस लगा हुआ है तो बीच में प्लस लगा देंगे, फिर ऐसे करके एरो लगाएंगे। ठीक, ये क्या है बताइए? ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, तो हमने यहां लिख दिया जिंक, ZINC, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन गया ये। ठीक है, साथ में क्या निकला? हाइड्रोजन गैस, तो यहां हम लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। अब ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ है आपने, ठीक है, ये आपकी वर्ड रिएक्शन है और ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, अब इसको बच्चों बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करिए इसको। जिंक वन है, इधर भी जिंक वन है, सल्फेट वन, सल्फेट वन, हाइड्रोजन टू, हाइड्रोजन टू, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, ईजी है, कर लीजिए। फ्रेंड्स, पार्ट बी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? HCl। ठीक है, अब हम यहाँ स्टेट नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है एक्वस लिखना होगा, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बट यहां पर हमें स्टेट नहीं लिखने के लिए बोला है, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो बाकी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं भी आपको लिख के यहां पर दिखा दूंगा, कोई इशू है नहीं। ठीक है, चलो, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, तो डाइल्यूट है यानी कि वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया होगा, यानी कि एक्वस लिखेंगे, सही है, और यहां पर रिएक्ट्स विद व्हाट? मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हमने यहां सॉलिड लिख दिया, करेक्ट। अब बच्चों एक बात बताइए, मेटल है, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, मेटल की रिएक्शन किससे हो रही है? एसिड से। आपको पता है जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो क्या मिलता है आपको? हाइड्रोजन गैस मिलती है अक्सर।
ठीक है। बहुत सारे केसेस में लगभग 99% में आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो यहाँ मिलेगी आपको हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो आपको मिलेगी मिलेगी, साथ में यहाँ पर क्या बनने की संभावना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बच्चों यहाँ पर बन जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम लोगों को पता है मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में, इस पे होता है 2+ चार्ज, और क्लोराइड Cl- क्लोराइड पे होता है -1, 2 इधर जाएगा 1 इधर, यानी कि Mg1Cl2, 1 तो लिखा नहीं जाता है इसलिए MgCl2, तो यहाँ पर बनेगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बच्चों ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा ये एक्वस सॉल्यूशन बनता है, वाटर में ही सॉल्यूशन बन जाता है ये, ठीक है। अब बोलेंगे वाटर सर कहाँ से आ रहा है, अरे भैया Cl डाइल्यूटेड था ना, वाटर तो प्रेजेंट है ये, तो ये एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस अगर आप करोगे तो HCl के आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, मैग्नीशियम 1 करेक्ट। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब हमें वर्ड रिएक्शन भी लिखनी है, तो वर्ड रिएक्शन ये क्या है बताइए, ये है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर हम लोग प्लस लिखेंगे, ये क्या आपका मैग्नीशियम, ठीक है, गिव्स, ये क्या आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर सकते हैं, और साथ में क्या मिल गया आपको हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है कर लीजिए। पार्ट सी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, और डाइल्यूट है यानी कि वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा, तो एक्वस और प्लस एल्युमिनियम पाउडर, ठीक है। एल्युमिनियम पाउडर में क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम एक मेटल है, जब भी मेटल होता है तो वो मेटल को आप ओनली उसके एटम लिख के ही छोड़ दो, मतलब जो उसका एटॉमिक फॉर्मूला होता है वैसे ही आप लिख के उसको, जैसे जिंक को ZN लिखते हो, कॉपर को Cu लिखते हो, वैसे ही एल्युमिनियम को हम लोग Al लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो एल्युमिनियम यहाँ पर सॉलिड है, ठीक। अब ये देखिए बच्चों, जब रिएक्शन होगी तो कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान से चेक करिए, H2SO4 से एल्युमिनियम को आपने रिएक्ट कराना है, ये क्या बताइए एसिड है, और ये क्या है आपका मेटल है। तो जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स, तो आपने देखा है कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो आपको मिलेगी मिलेगी, H2 गैस, साथ में यहाँ पर आपको एल्युमिनियम का सॉल्ट मिल जाएगा, एल्युमिनियम का सॉल्ट मिल जाएगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। एल्युमिनियम का सॉल्ट कैसे बनाओगे, एल्युमिनियम यहाँ से लोगे, ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे क्या होता है 3+, ये सबको पता है एल्युमिनियम पे होता है 3+, और यहाँ से आप सल्फेट लोगे, सल्फेट पे क्या होता है SO4 2-, ठीक है, सॉल्ट बना दीजिए, 3 इधर जाएगा, इसका 2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा Al2SO3 होल थ्राइस हो जाएगा, सही है, एल्युमिनियम सल्फेट इसका नाम है। तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा Al2SO4 होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, ये वाटर के साथ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम लोग को करना है बैलेंस, इसको बैलेंस कैसे करें बच्चों, देखिए इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको मेटल चेक करना होता है, बट उससे पहले भी आप पॉली एटॉमिक स्पीशी को चेक करेंगे, हमने आपको बताया, तो पॉली एटॉमिक चेक करो, यहाँ पर क्या है सल्फेट है, यहाँ पर भी देखिए सल्फेट है, ये पूरा सल्फेट बच्चों चेक करो, पूरा सल्फेट, इधर सल्फेट कितना है 1, लेकिन इधर ये पूरा सल्फेट कितना लगा हुआ है, इधर 3, तो पूरा सल्फेट इधर 3 है, तो इधर भी आप सल्फेट 3 करिए, क्या करेंगे H2SO4 के आगे 3 लगा देंगे, ऐसा करने से क्या हो गया सल्फेट हो गए कितने, अगर थोड़ी देर के लिए आपको इसको ब्रैकेट में भी रखना हो तो आप इसको ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए रख लो तो आपको समझ आएगा, ये सल्फेट कितना हो गया पूरा 3, इधर भी सल्फेट कितना हो गया 3। अब मेटल को बैलेंस करिए, मेटल कौन है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 एल्युमिनियम हो गए, सही है। अब प्रॉब्लम सिर्फ हाइड्रोजन को है, चेक करो 3 2 6 होता है, तो आपको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, अब आप चेक कर लो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई है, सही है ना, कोई दिक्कत है बताइए, इधर सल्फेट 3 है, इधर भी सल्फेट कितने हो गए 3, हाइड्रोजन 6, उधर भी हाइड्रोजन 6, एल्युमिनियम 2, इधर भी एल्युमिनियम 2। अब ये ब्रैकेट ऐसा जो आपने देखने के लिए हटाया था उसको हटा सकते हो आप, सही है, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब देखिए बच्चों इसकी वर्ड रिएक्शन, ये क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो डाइल्यूट, डाइल्यूट शॉर्ट में लिख रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, सभी बच्चे लिख सकते हैं, प्लस आपको शॉर्ट में लिखना, पूरा पूरा लिखेगा, ये क्या हो गया आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है, गिव्स व्हाट, ये क्या हो गया आपका एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, और साथ में क्या मिल गया आपको, साथ में मिल गया आपको हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, कोई डाउट है बताइए कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स, ठीक है,
तो यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आयरन फिलिंग के साथ रिएक्शन करानी है हमें, ठीक है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होगा, आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर डाइल्यूट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेट मी चेक इट, डाइल्यूट ही दिया, यस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वाटर के साथ इसका सोल्यूशन बनाया गया होगा, HCl एक्वस और आयरन फिलिंग्स। अब आयरन एक मेटल है तो आप उसको एटम लिख के उसका यहाँ पर छोड़ दीजिए, Fe लिखा, यही आयरन है आपका सॉलिड, ठीक है गिव्स। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि मेटल है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस तो आपकी निकलनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे इवॉल्व होगी, उसकी टेंशन नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि आयरन का जो सॉल्ट हमें बना रहा है तो फेरस क्लोराइड बनाए या फेरिक क्लोराइड बनाए, सुन लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आयरन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, Fe2+, या आप उस पर बोल सकते हो दो तरीके के चार्ज आपने क्लास में देखे, Fe2+ देखा, इसको आप लोग क्या बोलते हो, फेरस, ठीक है, फेरस, और Fe3+ होगा तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग फेरस से क्लोराइड आयन को जोड़ दें तो यहाँ पर फॉर्मूला बन के आएगा क्या, 2 इधर जाएगा 1 इधर, तो ये बनेगा आपका FeCl2, ठीक है, ये होगा आपका फेरस क्लोराइड। लेकिन अगर हम लोग Cl- फेरिक से जोड़ दें तो यहाँ पर आपका बनेगा Fe1Cl3, यानी कि फेरिक क्लोराइड। तो सर कौन सा बनाए, तो देखिए बच्चों, जब भी आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन आए आयरन के साथ तो लैब में हमने देखा है आपका फेरस क्लोराइड ही बनता है, ठीक है ना, फेरस क्लोराइड ही बनता है यहाँ पर, ठीक है, चाहे आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपको बनाना क्या है यहाँ पर, आपको फेरस क्लोराइड ही बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो फेरस क्लोराइड ये एक्वस, क्योंकि लैब में जैसा होता है वही हम लिखते हैं यहाँ पर, तो जो भी है यहाँ पर मोर स्टेबल होता होगा ये कंपाउंड, ठीक है, जो भी उसके रीजंस हो, एनर्जी कंसिडरेशन वगैरह जो भी है, बट आपको याद रखना है यहाँ पर बनेगा आपका क्या, फेरस क्लोराइड, ठीक है। अब इसको फटाफट बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2, और यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया ये, ठीक है, ये गैस है और ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा फेरस क्लोराइड का, ठीक है, नाम लिखते हैं चलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, HCl, ठीक है। तो वर्ड रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस ये हो गया आपका आयरन गिव्स व्हाट गिव्स, ये हो गया आपका फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। अगर आपको इसको फेरस क्लोराइड नहीं लिखना है तो इसका दूसरा नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आयरन और ब्रैकेट में सेकंड लिख दीजिएगा, सेकंड मतलब कौन सा आयरन लिया है आपने, Fe2+ वाला, ठीक है ना, थर्ड प्लस वाला लेते तो आयरन थर्ड लिखते, आयरन 2 क्लोराइड, ये सब क्लास में हमने पढ़ा है, रोमन नंबर में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं, ठीक है, आयरन 2 क्लोराइड, और यहां पर ये बन गई साथ में आपकी क्या, हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से रिएक्शन लिख देंगे, आई थिंक बैलेंस है, यस बिल्कुल बैलेंस है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका पेज नंबर 34 पे ही है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, पिंड कमेंट पे रीड मोड पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।